हे गाइस, दादाजी ने नीरज के आने के गुस्से में एक भव्य पार्टी रखी हुई थी और उस पार्टी के लास्ट में दोनों की शादी का अनाउंसमेंट होना था, इसलिए संध्या भी उस पार्टी में शामिल होगी। और पार्टी के लास्ट में नीरज और अंजलि की सगाई होगी, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे और सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, यहाँ तक कि संध्या भी। मगर जब नीरज संध्या की ओर देखेगा तो उसका चेहरा रोतड़ू सा चेहरा बन जाएगा, तो वह वहाँ से तुरंत चली जाएगी। और सगाई होने से नीरज की बटालियन बड़ी दुखी होगी। और फिर अगले दिन अंजलि नीरज को जल्दी सुबह ही मंदिर लेके चली जाएगी, जिसकी वजह से जब संध्या नीरज को ढूंढने जाएगी तो नीरज कहीं ना मिलेगा, तो वह बहुत परेशान होगी। और फिर वह अनमोल रीना से पूछेगी तो वह उसे ताने मारेंगे कि नीरज तो अंजलि के साथ होगा ना कि तुम्हारे साथ। और फिर वो भी सोचेगी कि मैं नीरज के बारे में क्यों सोच रही हूँ, और वह सोचते सोचते जीने में चढ़ ही रही होगी कि उसका पैर फिसल जाएगा और उसके मोच आ जाएगी और वहाँ पे गिर जाएगी। और ये खबर जब नीरज को पता चलेगी तो मंदिर में, तो क्या नीरज को संध्या का प्यार घसीट लाएगा?